बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फोर्थ प्ले टीवी यूएसए के लिए मैं हूँ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मज़हर इकबाल। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत के डी चौक पे। मैं अपने दोस्त जनाब दिलशाद हादी से ये गुजारिश करूँगा कि कैमरे को घुमा के ज़रा हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को ये दिखाएं कि ये इस्लामाबाद का डी चौक है ये, और आज के लिए जमात इस्लामी पाकिस्तान ने यहाँ एक एहतजाज की कॉल दे रखी है। और जमात इस्लामी ने कहा था कि हम महंगाई के खिलाफ और जो लाकानूनियत है उसके खिलाफ और दीगर जो पाकिस्तान के अवाम को दरपेश मसाइल हैं उनके खिलाफ यहाँ पे वो धरना देंगे। 5 बजे का टाइम था धरने के हवाले से, और अब इस वक्त कोई 4:30 से ज्यादा का वक्त हो गया है। अभी जमात इस्लामी के कारकुन को ज्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पे नहीं पहुंचे, छोटी छोटी टोलियों में ये लोग आ रहे हैं और इनको पुलिस गिरफ्तार भी करके लेके जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि थोड़ी सी दूर यहाँ से कोई 2-3 किलोमीटर के फासले पर जो I-8 का इलाका है वहां पे जमा हो रहे हैं जमात इस्लामी के कारकुन। ये मरकजी तौर पर डी चौक है और ये जहाँ पे दिलशाद हादी से मैं फिर गुजारिश करूंगा कि बाहर तो आपको नजर आ रही है यहाँ पे टीवी चैनल्स की DSNG लगी हुई है, लेकिन इसके पीछे अगर थोड़ा सा दिखा सके तो कंटेनर लगा के बंद कर रखा है हुकूमत ने, इंतजामिया जो इस्लामाबाद की है उसने कंटेनर लगा के इस रास्ते को बंद कर रखा है। ये रास्ता डी चौक का जो है यहाँ से पार्लियामेंट हाउस की तरफ, वजीर आजम हाउस की तरफ, ईवान सदर की तरफ, नेशनल असम्बली की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाता है। और जब भी कोई पॉलिटिकल फोर्स एहतजाज का ऐलान करती है तो सबसे पहले जिस एरिया को लगा के कंटेनर्स बंद किया जाता है वो यही है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जमात इस्लामी के कारकुनों की यहाँ आमद में अभी कुछ वक्त बाकी है, तो आइए हम आपको डी चौक के गर्दोनवा में जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, दिखाते हैं आपको कि वो पाकिस्तान में एहतजाज की सियासत के हवाले से क्या अपने ख्यालात जो हैं वो रखते हैं। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक नौजवान शहरी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप एहतजाज में शिरकत के लिए आए? बिल्कुल, एहतजाज के हवाले से हम आए। जमात इस्लामी के कारकुन हैं आप? जी जी। अच्छा, ये एहतजाज की जरूरत क्यों पेश आई है? एहतजाज की जरूरत तो है तो पूरा मुल्क जानता है कि किस वजह से जरूरत पेश आई है, कि बिजली के इस्तेमाल में कितना ज्यादा अपना इजाफा किया जा रहा है बिल में। रोज IMF कह रहे हैं बढ़ा रहा है। जब कश्मीर का बना था एहतजाज हुआ तो रातों रात उन्होंने 3 रुपए यूनिट कर दी, और इस्लामाबाद और गिरतो नवाब में जब भी बिजली महंगी होती है IMF कह रहा है, IMF कह रहा है। आज दिन तक किसी ने IMF होता देखा है नहीं, ना हमें पता है। हर रोज रात को भी 4 रुपए यूनिट बढ़ा दिए गए, मगर कोई भी मीडिया पे पाबंदी लगी हुई है, दूसरे इधारों की तरफ से थ्रेट है कि यार कोई मीडिया भी पड़ा राज को चीज दिखाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा जी जी, तो आपका एहतजाज बिजली के बिलों के खिलाफ? जी जी, बिजली के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ। महंगाई के खिलाफ, हर चीज दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। तो आपके एहतजाज से ये मामला ठीक हो जाएंगे? नहीं, मामला नहीं, हर शहरी का क्या है कि वो पूरा मन एहतजाज करे, हुकूमत का एहतजाज रिकॉर्ड कराए कि हुकूमत होश के नाखून ले और इन चीजों पर कंट्रोल करे ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। वोट इसी वजह से दिया गया था कि यार ताकि रिलीफ मिले आवाम को। नाज़रीन, मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि जमात इस्लामी के कारकुन छोटी छोटी टोलियों में आ रहे हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार करके लेके जा रही है। हमारे साथ पाकिस्तान के एक शहरी नौजवान मौजूद हैं और इनका कहना है कि अभी थोड़ी देर पहले इनके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपके भाई को क्यों गिरफ्तार जी किया? मैं इधर पेंडी में मंडी मोड़ में काम करता हूँ, मेरा भाई निकाल के आ जाओ इधर, मेरा भाई आया था उधर खामखा गिरफ्तार के गाड़ी में बिठाया और ले गया थाने। आप एहतजाज करने आए थे? जी मैं तो इसके पीछे आया, भाई के पीछे आया। अच्छा, तो भाई इसके एहतजाज के लिए आया था। तो आपके ख्याल में ये बहुत से लोग एहतजाज के लिए आ रहे हैं, एहतजाज की क्या जरूरत है? यार असर महंगाई है, हालात बहुत खराब है, बिजली बिल बहुत ज्यादा है। मेरा फोन छोटा फैन भी है, मेरा 16,000 बिल आया बिजली। एक फैन है? एक फैन है यार, 2 पंखे है और एक कूलर फ्रिज है, बस 15-16 हजार रुपये आ गया। फिर हम क्या करेगा, हम वो तंग गरीब बंदे उधर फ्रूट बेचते है और महंगाई है, इतना कमा नहीं सकता, अकेला बंद है खबर वाली से। तो आप क्या समझते हैं कि जब लोग एहतजाज करते हैं तो फिर उससे महंगाई खत्म हो जाती है, कम हो जाती है? यार ये सियासी लोग ये आवाज करते हैं हम खत्म करेगा, वे हुकूमत से मुतालिबा करते हैं यार ये करेगा वो करेगा। हम तो इसके साथ है, बस कैसे आवाम का पैदा है उसके पीछे राय है। तो ये हुकूमत जो है आप इससे मुतमिन है? यार मुतमिन तो एक से भी नहीं है, बस महंगाई बहुत ज्यादा है इस वजह से बस। आपका बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन शहरी मौजूद हैं, बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, वो जमात इस्लामी के इस एहतजाज में शिरकत के लिए आई हैं चकवाल से। बुजुर्ग हैं, चकवाल से इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं, पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप इनसे दूर से यहाँ पे एहतजाज के लिए आए हैं, क्यों? जी, ये जो मुल्की हालात इस वक्त जो आवाम पिस रही है उसके लिए हम लाए हैं, आए हैं। ये सारे मेरे साथी जो मेरे साथ हैं, मैं अपनी यूसी का जिम्मेदार हूँ और ये मेरे साथी हैं सारे, और हम इसीलिए आए हैं कि हम एहतजाज कर सकें। दोस्त, ये कितने का फल रोज बेच लेते हो आप? बेच लेता हूँ 3-4 हज़ार। अच्छा, तो उसमें प्रॉफिट कितना आ जाता है? यही आता है 6-7 सौ। 6-7 सौ रुपये। तो कहाँ से आते हो आप? फिर बताइए, यहाँ से कोई 15 किलोमीटर है तकरीबन, 10-12 किलोमीटर तो है जी। तो गुजारा हो जाता है? बस शुक्र है रब के साथ। 600 रुपये रोज से गुजारा हो जाता है? क्या करें, मजबूरी है। शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2। मकान अपना है? नहीं, किराए पे। कितना किराया देते हो? किराया देते हैं 8,000। 8,000 जी। तो बाकी खर्चे पीछे, अगर 600 रुपये आपकी रोज मजदूरी हो तो 18,000 रुपये बनता है, पीछे 10,000 आपका बचता है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, अभी छोटे हैं, बिल्कुल छोटे हैं जी। तो क्या अपना आपको हालात जिंदगी बताएं, किस तरह से मामला आगे बढ़ रहे हैं? बहुत मुश्किल, मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अभी क्या करें, इतनी महंगाई कर दी है, जौन सी चीज पहले मिलती थी 600-700 की, अभी मिलती है 1600-1700 की। अच्छा, अभी बंदा क्या करे, इधर गरीब किधर जाए। बहुत से लोग जो है बिजली के बिलों की वजह से परेशान है जी। ये अभी बिल आया हमारा तकरीबन 40,000 रुपया आया। 40,000 रुपया? हाँ जी। 18,000 रुपया महीना? तीन फैमिली रहती है, 40,000 रुपया बिल। तो तुम्हारे हिस्से कितना आया? मेरे हिस्से में 12,000 रुपया आया। तो 12,000 तो आपने बिल दे दिया, 8,000 आपने किराया दे दिया, और 18,000 आपकी आमदन है, 20,000 तो यही पे लग गए। तो इसके बाद क्या है सूरत हाल, किस तरह महीना गुजरेगा? बस गुजारा कर रहे हैं, किस तरह हो रहा है। तो यहाँ पे लोग आज एहतजाज करने आ रहे हैं, आप सपोर्ट करते हैं इनको? नहीं, एहतजाज नहीं होना चाहिए। नहीं, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, ये गरीब की कोई करे, गरीब आसान हो। कौन करे? यही जोन से आ रहे हैं। नहीं, ये जमात इस्लामी करे या अवाम करे, और कौन करे? नहीं, अवाम क्या करेगी, फैसले तो हुकूमत ने करने हैं। अवाम बोलेगी तो हुकूमत कुछ। तो आप कह रहे हैं आप बोलने वालों को सपोर्ट ही नहीं करते। नाज़रीन हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, गुजरात से तशरीफ लाए, जमात इस्लामी से ताल्लुक है, जमात इस्लामी के इस एहतजाजी प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। अच्छा सर, आप जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है और यहाँ पे आप एहतजाज को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, किस चीज़ के खिलाफ एहतजाज? जब से ये बिलों का मसला, टैक्सेस का मसला और महंगाई का सिलसिला शुरू हुआ है, हम दुआई दे रहे हैं अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान अब्दुल नईम रहमान साहब बार बार हुकूमत को मतवज्जे करते रहे हैं, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। आखिर आवाम की तंगदस्तियों को, परेशानियों को और तकलीफ़ों को और दुखों को, उनकी खुदकुशियों को और महंगाई की बदौलत जो उन पर कुछ बीत रहा था या बिलों के जो उन पर बम गिर रहे थे, हमने वो दर्द महसूस किया कि हमारे पैगंबर का फरमान है कि तुम में बेहतरीन वो है कि जो लोगों के लिए नफा बख्श है। हम नमाज को बहुत अच्छा समझते हैं, इबादत को बहुत अच्छा समझते हैं। मेरे नज़दीक सबसे बड़ी इबादत ये है कि आप जो अल्लाह की मखलूक है इसके लिए कुछ करें, उसकी सहूलत के लिए। आपने बड़ा अच्छा काम, आपने बड़ा अच्छा काम किया कि आप यहाँ पे एहतजाज के, आपके ख्याल में एहतजाज से मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे? जी होता ही जी है, तरीक़ाकार ही होता है कि जहाँ भी बिगाड़ होता है पहले उन्हें मतवज्जे किया जाता है कि आप इन हालात को आप ठीक कर लें। अगर वो इस बात को नहीं मानते तो शरीयत का भी यही असूल है, दुनिया का भी यही असूल है कि हम खुद बेदार हों, हम खुद जागें, लोगों को जगाएं और बताएं कि ये हमारे हक सलब किए जा रहे हैं, हम पर जुल्म और सितम किया जा रहा है, हमारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। तो जब इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो हमने ये कदम इसलिए उठाया है। मौजूदा हुक्मरानों से आपको तवक्को है कि इस एहतजाज के नतीजे में वो बिजली के बिल कम कर देंगे, महंगाई में कमी आ जाएगी, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? हम किसी दौर के अंदर भी जमात इस्लामी वाले मायूस नहीं हुए, लेकिन जितने भी हुक्मरान है मौजूदा और सबका, ये सब एक ही लड़ी के हैं। फौरी तौर पर हल क्या है? इसका हल सिर्फ जमात इस्लामी है, इसका हल सिर्फ जमात इस्लामी है। और जमात इस्लामी के द्वारा आप आ जाए, आप मीडिया वाले भी आ जाए, सारे आ जाए, इंशाल्लाह
एक हफ्ते में आप इसका रिजल्ट देंगे आप सब्र भी नहीं कर सकते। नाज़रीन इकराम, हमने आपको बताया था कि जब तक जमात इस्लामी का की रैली यहाँ पे नहीं पहुँचती, हम आम लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वो किस मकसद के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हमने कुछ लोगों से बातचीत की और हमारे सामने हमारे कैमरे की आंख ने आपको दिखाया कि जो लोग हमारे से बात कर रहे थे मीडिया से, मीडिया के दीगर चैनल से, पुलिस बड़ी फसाइत की सी के तरीके से उनको गिरफ्तार करके ले गई। फाइनली हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपनी बिरादरी के साथ बात करें। शराज एक यंग जर्नलिस्ट है, तो मैं इनसे पूछूंगा, शराज आप एक अरसे से जर्नलिज्म में हैं, बड़े एक्टिव रिपोर्टर हैं, मैं जानता हूं आपको। आज यहां पे एहतजाज है और आपने देखा गिरफ्तारियां हो रही हैं, आप खुद भी कवर कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए सर, इस मुल्क का जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पुरमन एहतजाज की परमिशन देता है कि आप पुरमन एहतजाज करें। मुल्क का जो आइन है वो राय देता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि पिछले चंद सालों से पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, चाहे कारकुनान पाकिस्तान तरीके साहब के हो, चाहे वर्कर जमात इस्लामी के हो या फिर किसी और पार्टी के हो। जब वो अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए बाहर निकलते हैं, जब वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनको इस तरह बेदर्दी के साथ गिरेबान से पकड़ कर घसीट कर उनको गिरफ्तार किया जा रहा होता है। हालांकि जमात इस्लामी ने तकरीबन मुहर्रम से पहले ही इस धरने की कॉल दी थी और फिर मोहसिन नकवी ने उन्हें कहा था कि मुहर्रम की वजह से आप ये धरना न करें। उसके बाद आज के दिन का जो है उन्हें बकाया तौर पर कैंपस भी की, फिर जिले इंतजामिया से एनओसी भी लेने की कोशिश की, लेकिन उनको ना परमिशन दी गई ना एनओसी जारी हुआ। और अब जो उनके वर्कर्स हैं उनको यहाँ से, अब तक के जो इतला तकरीबन 18 के करीब जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ से गिरफ्तार किया जा चुका है। और मतलब साहब आप देखेंगे अब से कुछ देर बाद जब काफले यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ हालात खराब भी होंगे। सारी बात है कि अभी काफले यहाँ पर पहुंचे नहीं है और उससे कबल आपने तकरीबन 18 जो वर्कर्स, मुल्क के हालात मजमू तौर पर आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए सर, मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा, मेरा जमीर गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। तो यही बात है कि आप देख सकते हैं क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, आम वर्कर्स के साथ, आम कारकुनान के साथ, आम जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ, आम लोगों के साथ। अब एहतजाज करना, धरना देना, अपने राइट के लिए बाहर निकलना, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन नाम का, आयन नाम का एक चीज है जो वर्कर्स को देता है राइट कि आप निकले, आप अपने राइट के लिए, जो आपके साथ ज्यादती होती है उनके लिए आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, परमिशन लेने के बावजूद भी, इंतजामिया से निगोशिएशन करने के बावजूद भी ना परमिशन दी जाती है, ना उनको बाहर निकलने दिया जा रहा होता है, ना उनको एहतजाजी मुजाहरा करने दिया जा रहा होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क की हालत क्या है। नाज़रीन, मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है इस्लामाबाद पुलिस की कैदी वैन है ये, और ये यहाँ इसके अंदर पाकिस्तान के गरीब लोग जो यहाँ पे अपने हुकूक के लिए एहतजाज करने आए थे, जो एहतजाज करने के लिए आए थे महंगाई के खिलाफ, बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ, अमन अमान के खिलाफ, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग आए थे। यहाँ इस वक्त गर्मी इतनी शदीद है, हब्स इतना शदीद है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको अपना आइनी हक इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। हमने आपको गिरफ्तार किए जाने की वीडियोस भी दिखाई, और वो तमाम लोग जो है वो हब्स के आलम में इस प्रिजन वैन के अंदर मौजूद हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये सोचिएगा कि ये हालात पाकिस्तान में कब तक रहेंगे और पाकिस्तान को ये हालात किस तरफ लेके जा रहे हैं। अल्लाह ने के बाद